विश्व के सबसे श्रेष्ठ गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को हम सुनना चाहते हैं। जब तक आपकी इच्छा हो आप सुनिए, जब तक डॉक्टर साहब का इच्छा सुना। डॉक्टर साहब स्वागत। दिल बीमार सही हो वो दवाई दे दे। ईश्वरवादी बहुत हूं मैं, इसलिए सबसे पहली चार पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूं। दिल बीमार सही हो वो दवाई दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली चार पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूं, अगली चार पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। आप लोग हमसे बड़े छोटे हैं लेकिन आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं, क्योंकि इस समय आप ऑडियंस हैं और श्रोता भगवान का दूसरा रूप होता है एक कलाकार के लिए। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर एक मिनट नहीं खड़े हो सकते। अगर आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं बस, और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली चार पंक्तियां आपके चरणों में। मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। अब एक एक पंक्ति पर एक एक शब्द पे आपको अटेंशन देना है मुझे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। ये तालियों में इसलिए देर हुई है कि अभी तक आपको कविता सुनाई नहीं गई पीएस एकेडमी में। अगर प्रदीप जी बीच बीच में ऐसे सेशन करते रहते 6-6 महीने बाद, तो आप जहां पन चाहता तुरंत तालियां बजाते। ये पहला अवसर है, आगे से करेंगे प्रदीप जी। कविता से बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है प्रदीप जी। वो जमाने चले गए जब हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में कवि सम्मेलन हुआ करते थे, सिर्फ इसलिए हुआ करते थे कि बच्चों को अपनी कल्चर से जोड़े रखे। आज ये कॉन्वेंट कल्चर के बच्चे, इनको पता ही नहीं है कि रसखान कौन थे, कबीर कौन थे, तुलसी कौन है, सूर कौन है। जब तक हम कविता से नहीं जुड़ेंगे, अपनी भाषा से नहीं जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ पाएंगे। और जिस देश को नष्ट करना हो उसकी कल्चर को नष्ट कर दीजिए। ये बड़े प्लैंड तरीके से सारे काम हो रहे हैं, इसलिए आपको अपनी कल्चर से जुड़ना पड़ेगा, कविता से जुड़ना पड़ेगा। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कविता से जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मूलतः प्रेम का कवि हूं, प्यार का कवि हूं, मोहब्बत का कवि हूं, इश्क का कवि हूं।
प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। मैं बहुत आसान जबान में आपसे कविता पढ़ रहा हूं, मैं कोई सूर कबीर वाली कठिन कविता नहीं पढ़ रहा जो आपको समझ में भी नहीं आए, बहुत आसान लफ्जों में आपसे बात कर रहा हूं। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। चौथी पंक्ति पे आप सबकी तालियां चाहिए मुझे, और ऐसा लगे ये खाली कुर्सियां हैं, खाली बेंचेस हैं, सब भरी हुई हैं, ऐसा लगना चाहिए मुझे। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। मुझे मालूम है कि मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है कितनी डोज और कैसी डोज दी जानी चाहिए। अब ठीक लग रहा है तुम चार पांच लोगों को, अभी और अच्छा लगेगा। देखो मेरा मन कर रहा है चार पंक्तियां आपको और सुना दूं, आपकी इजाजत है तो जरा कैसे दी जाती इजाजत जरा सलीके से बताइए। वेरी गुड। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, अब तैयार रहना है आपको। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। Wow.